हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आम जन की सहभागिता से निर्मित होगा स्मृति वन। वन राज्य मंत्री। राज्य सरकार द्वारा सांचौर के नर्मदा कॉलोनी में खाली पड़ी 5.93 हेक्टेयर भूमि पर स्मृति वन बनाने की मंजूरी देने के पश्चात प्रशासन द्वारा उक्त जमीन पर वृक्षारोपण व स्मृति वन विकसित करने के लिए वन एवं पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर में स्वीकृत स्मृति वन के निर्माण को लेकर आम जन का सहयोग लिया जाएगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति पौधा लगाकर अपनी पट्टिका लगा सकता है, जिसमें 4 से 6 फीट का पौधा लग जाएगा। वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित स्मृति वन में मॉर्निंग वॉक रनवे चालू किया जाएगा। वहीं योग साधना केंद्र, युवाओं के लिए जिम, बच्चों के लिए झूले, स्मृति वन के दृश्य को देखने के लिए वॉच पॉइंट, कपल के बैठने के लिए झोपड़ी निर्माण कुटिया बनाई जाएगी। वहीं स्मृति वन में स्मॉल पॉइंट का भी निर्माण होगा। उन्होंने बताया कि स्मृति वन में पौधों की संख्या को लेकर मापदंड तैयार किए जा रहे हैं, प्लानिंग के अनुपात में पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्मृति वन के विकास में जन सहभागिता की पूर्ण रूप से भागीदारी रहेगी। सांचौर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों के लिए शुद्ध ऑक्सीजन मिले इसके लिए स्मृति वन बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति जारी की है। करीब 6.5 हेक्टेयर जमीन आवंटन की है वन विभाग को। आने वाले दिनों में उस जमीन पर जन सहयोग से, लोगों के सहयोग से, भामाशाहों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से उसको स्मृति वन की तरह तैयार किया जाएगा। उसमें पौधे लगेंगे, वॉकवे बनेगा, साथ साथ योगा केंद्र बनेगा, जिम के लिए, बच्चों के लिए और वॉच टॉवर बनेगा, कुछ एकांत में बैठने के लिए हट बनेगी। एक व्यवस्थित पार्क तैयार करेंगे आने वाले दिनों में, ताकि शहर उस पार्क का फायदा उठा सके, साथ ही लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके और एक्सरसाइज करने के लिए, घूमने के लिए एक शहर के पास आए हुए बढ़िया समुचित व्यवस्था लोगों को मिल सके। जागरूक टीवी के लिए जालौर से खास रिपोर्ट।